आफ्टरनून, और आफ्टरनून का टाइम हो गया है तो बस वही था, मॉर्निंग से काम निपटाते निपटाते आफ्टरनून हो गया है। फिर मैंने कहा चलो आज आफ्टरनून से ही व्लॉग शुरू कर लेते हैं, कभी जैसे मतलब होता है ना, मुझको जब भी टाइम लगे कभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया, कभी आफ्टरनून से कर लिया, कभी इवनिंग से कर लिया, तो बस वही बात है। और बाहर रोशनी आ रही है शायद इसकी ना खिड़की ही, तो उसमें पड़ रहा है, कैमरे पे पड़ रहा है ना, तो लाइट से आ रही है। तो आफ्टरनून का टाइम हो गया है, ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग कर दी है, और कल से हो रही है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल दिन से आप कह सकते हैं बारिश लगी हुई है और अभी तक बारिश ही हो रही है, और रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। यहाँ तक इस चक्कर से हमने बच्चे भी स्कूल नहीं भेजे, पहले तो वही था कि शायद गाड़ियों की आवाज़ आती है, वही था कि शायद DM का ऑर्डर आया कि अब तक छुट्टी ना हो, बहुत सॉरी छुट्टी हो लेकिन नहीं थी छुट्टी। और फिर मॉर्निंग में जैसे जिस टाइम बच्चों के स्कूल में आप कह सकते हैं मतलब हाँ 5 बजे लगभग जब मैं उठी थी, 5 साढ़े 5 बजे लगभग, तो रात भर से बहुत ज़्यादा बारिश थी, और जिस टाइम उठी थी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी उस टाइम। तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, कहा नहीं रहने दो आज बच्चों को घर रहने दो। और फिर प्लस क्या है ना, बच्चों का मतलब सिलेबस हो चुका है फिलहाल, जो पेपरों का जितना भी करवाना था टीचरों ने सिलेबस करा दिया है, अब यह है कि बस रिवीजन ही चल रहा है। तो बस मैंने चलो घर में ही काम तो घर में भी हो जाएगा लर्न कराने का पढ़ाने का। और मेन बात यह है कि अब ना जो होमवर्क है ऑनलाइन आ जाता है, पहले तो ये होता कि अगर बच्चे की छुट्टी करो तो फिर होमवर्क की प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं है। मेन मतलब ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सुविधा हो गई है मोबाइल से कि होमवर्क घर आ जाता है, यहाँ तक कि अभी आ भी चुका है दोनों बच्चों का, और बेटी ने तो होमवर्क कर भी लिया है, बेटे ने तो कुछ किया है, किया क्या है उसको मैंने वही है, मैं उसको जैसे पेपर बना के देता तो वही किया था उसने, तो फिर मैंने अभी होमवर्क नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दिखा दिया आपको ना बारिश, बारिश अभी तो खैर बंद है, अभी तो बारिश नहीं हो रही है। ये पड़े हुए देखो कपड़े, कपड़े पड़े हुए, और बारिश अभी हो तो नहीं रही है घर, लेकिन कल से बहुत ढीला हो रखा है, लेकिन दिख नहीं रहा हुआ है मेरा। और कल से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, अब कब तक रहेगी कुछ नहीं कह सकते। कल के कपड़े तो सूख गए, कल भी मतलब जैसे कपड़े धोए थे तो उसके बाद बारिश लग गई थी, तो मॉर्निंग से थोड़ा आप कह सकते हैं क्योंकि कुछ दिन भर चेयर में डले हुए थे, कल दिन भर चेयर में डले हुए थे, और उसके बाद वो क्या वो हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी मौसम खुल गया था तो सूख गए थे। क्या कल के कपड़े तो सूख गए हैं, यहाँ तक कि मुझे कपड़े भी ब्रश करने हैं जो कि मेरा रोज़ का काम होता है, आजकल मैं इवनिंग का काम भी दिन में ही कर रही थी, जैसे अभी कपड़े ब्रश अभी कर दूँगी जो मेरा इवनिंग का काम होता है, और जाते जैसे आटा गूंथना सब्जी काटना, तो इवनिंग के काम भी मैं कह सकते हैं अब आफ्टरनून में कर देती हूँ, चक्कर से मैं काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि मुझे शाम को या फिर इतने रात को बच्चों के थोड़ा टाइम मिल जाए, तो बस वही सब है। और यहाँ पर मैंने रूम बंद कर रखा है, अभी लगता है पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अभी टीवी देख रहे हैं, मैंने बंद किया हुआ, और टीवी कुछ भी कर लो फिर टीवी आवाज़ तेज़ रखता है, इसलिए मैंने टीवी बंद किया हुआ है। लंच मेरा बन चुका है, और यहाँ पर रखी है मक्खी, तो कुछ मक्खी तो हम लोगों ने कल भून के खा ली थी, लेकिन आज मैं ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आज बॉयल करूँगी, मुझे खैर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी और बेटे को भी, बेटी को भी शो शो कह सकते हैं आप, ठीक है मतलब पसंद है, मुझे उतनी खास पसंद नहीं है, मतलब हाँ ठीक है कभी खा लूँगी बस मुझे उतनी पसंद है, लेकिन हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को, तो बस इसीलिए। और तो कल भी उन लोगों ने भून के खाई थी, और ये 2-4 बच्ची हैं इनको बॉयल कर लूँगी आज, और इधर निकाले मैंने करी लिए, तो जैसे मैंने बोला था ना आजकल इवनिंग का काम भी थोड़ा आफ्टरनून में कर लूँ, तो देखूंगी जैसे मेरे टाइम लगे उनको छिलके और साफ करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे बनाने आज भरवा करेले, और भरवा करेले में बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो जल्दी ही बना लूंगी क्योंकि शाम को भी टाइम लगेगा, इससे जल्दी बना लूंगी क्योंकि बहुत दिन से बनाए नहीं थे, फिर हस्बैंड ले आए थे, और प्लस ये मतलब जब ले गए तो मैंने कहा आप क्या बात आप करेले ले आएंगे, तो कह रहे बहुत दिन से भरवा करेले नहीं खाए, चलो बनाए भी अच्छे मतलब बड़े बड़े हैं उनके अच्छे भरवा करेले बन जाते हैं, इस टाइप के हैं सारे, तो रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी मैं क्योंकि रेसिपी मैंने 2 बार शेयर कर रखी है, तो आगे अगर आप लोग बोलिए तो मैं वो कर दूँगी लिंक शेयर कर दूँगी, या तो आगे कभी शेयर करूँगी रेसिपी, अच्छे से मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पता है इतना टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन बस मैंने शेयर की हुई है 2 बार मैंने करेले की रेसिपी शेयर की हुई है, और इस टाइप में जो मैं करेले बनाती हूँ ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी सब पसंद करते हैं। तो बस लंच वंच होगा, सबसे पहले मुझे करना है कपड़े प्रेस, कर लूँगी और बच्चे फिर उसके बाद कर लेंगे हम लंच।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने करेले साफ़ कर लिए थे और इनको मैं रख लूँगी बॉयल करने के लिए। तो मैं नमक डाल दिया था मैंने, दूसरी तरफ मक्की है तो इन्हें भी मैं बॉयल करने के लिए रख लूँगी। और बस अब मेरा यहाँ पे से इवनिंग का काम शुरू हो चुका है। तो मतलब मैंने करेले पहले साफ़ करके रख लिए थे लेकिन बॉयल करने के लिए इवनिंग में रखे। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने कितनी किताबें फैला रखी है। तो बस बेटी होमवर्क कर रही थी, बेटा कलर कर रहा था और सारा आप देख रहे हो पूरा रूम कितना फैला हुआ है। तो इवनिंग का टाइम है ये और फिर भी ऐसे फैला हुआ है मेरा पूरा रूम, आप देख सकते हैं। तो इनके ये अलग अलग स्टडी के टेबल हैं दोनों बच्चों के। तो वही होता है ना, इसे एक के लिए लाओ तो फिर दूसरा जिद करता है कि मुझे भी चाहिए, तो वही बात है। इसलिए दोनों के अलग अलग टेबल हैं। वैसे तो खैर एक टेबल से भी काम चल सकता है लेकिन फिर वही जाता है कि बच्चों में हो जाती है लड़ाई, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग लाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कंफर्टर है इसको भी मैं अच्छे से तय करके रख लूँगी। और पूरा रूम आप देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा रूम कितना फैला हुआ है। तो अच्छे से मैं यहाँ पे इसको संभलो कर लूँगी, अच्छे से आप देख सकते हैं रूम को सेट कर दूँगी। और रूम सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये प्लास्टिक के गिलास लेके आया था अपनी ताई लोगों के यहाँ से, और क्या बना रहा है पता नहीं, क्या बिल्डिंग टाइप की बना रहा है। तो यहाँ पे खेल रहा था तो मैंने थोड़ी सी इसकी क्लिप भी ले ली। और बिल्ली भी देखिए इसके चारों तरफ यहाँ पे घूम रही है, घूम क्या रही है मतलब मैं यहाँ पे खड़ी थी तो बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो ये पेडिग्री मांग रही थी, यहाँ तक कि डॉगी भी यहीं पर था। तो बस तो मैंने एक बार पहले दे चुकी थी लेकिन फिर वही है कहते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली, तो फिर मैं अभी फिर दोबारा दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से बिल्डिंग बनाना चाह रहा था लेकिन इसकी बिल्डिंग ना बन नहीं रही थी। और यहाँ पे बेटी हो चुकी है ट्यूशन के लिए रेडी, तो ये अपनी बुक्स रख रही है। तो वही बच्चों ने पहले स्कूल का होमवर्क किया, जैसे मैंने बताया था ना स्कूल नहीं किए थे तो ऑनलाइन होमवर्क आ जाता है। तो दोनों बच्चों ने अपना शाम को ही होमवर्क कर लिया था। वैसे तो बेटा और दिन सो जाता है लेकिन आज वो सोया नहीं था तो उसने भी शाम को ही अपना होमवर्क कर लिया था, बेटी ने भी होमवर्क कर लिया था। उसके बाद ये चल जाती है ट्यूशन और वो अपना थोड़ी देर बाहर खेल लेता है, आप कह सकते हैं घूम लेता है। तो बस वही है इन्हीं कामों में, छोटे छोटे कामों में टाइम निकल जाता है। और मेरा तो इवनिंग का टाइम पूरा ही किचन में जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इवनिंग में भी किचन में जाता है, मॉर्निंग का भी मेरा बहुत ज़्यादा जाता है और इवनिंग का भी। तो यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि चावल बचे थे तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी जैसे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो वो ही हो जाता है, जैसे आते हैं तो एकदम से नहीं बन पाते हैं तो मैं पहले से बना के रख लेती हूँ। और कभी लेट आते हैं तो हम रात को भी खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल फ्राई कर लिए हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे करके फ्राई करके चावल। फिर वही बात हो जाती है, ये चावल बच जाएँ तो वेस्ट करने से बढ़िया है कि हम लोग खा लें। और इधर मैंने भरवा करेले भी बना लिए थे और इनकी ना ग्रेवी आज थोड़ा सा कम बनी। बस यहाँ पे भरवा करेले मेरे बन चुके थे, दूसरी तरफ मैंने दाल भी चढ़ा ली थी। और मैं फटाफट से गैस कर रही हूँ क्लीन। तो बस किचन का आप कह सकते हैं कुछ कुछ काम मेरा निपट चुका है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम बच्चों को दिया था और उसके बाद आप फिर से मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो आप कह सकते हैं इवनिंग से लेके और रात तक मेरा बहुत सारा टाइम किचन में ही जाता है। बीच में वही हो जाता है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ, फिर बीच में हस्बैंड आ जाते हैं तो जैसे अंदर बाहर हम लोगों का लगा ही रहता है। और बस आज आप लोगों के साथ मैंने अपना आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक का रूटीन शेयर किया। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।